नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो कक्षा 6वीं से लेकर हम लोग कक्षा 9वीं तक की लगभग लगभग सभी बुक्स देख चुके हैं। लास्ट कक्षा 9वीं की बुक्स बचती है हमारी साइंस यानी कि विज्ञान। ये कंप्लीट होने के बाद कक्षा 9वीं की भी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी बुक्स, और चैप्टर वाइज चैप्टर आपकी सभी बुक्स कंप्लीट एनसीईआरटी पूरा कवरेज के नाम से जो आपके प्ले लिस्ट सूची उसी में डले हुए हैं सब चैप्टर। ठीक है, पूरी बुक्स। एक बात आप लोगों को बता दें हैं, कई लोगों के एसएमएस आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, पूछते हैं सर कि ये पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, एक बात हमेशा याद रखिए। आपको पढ़ना है, आपकी मर्जी है, आपको कोई रोक भी नहीं सकता ना। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर आईएएस यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो अन्य आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचें कि एनसीईआरटी का स्थान बोर्ड टेक्स्ट बुक ले लें तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप सभी को एक ही सलाह दूंगा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की तो एनसीईआरटी हर किसी को पढ़ना है और बहुत जरूरी पढ़ना है। अगर कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक की भी आप लोग कवर कर सकते हैं तो इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो आपका बेस बना देंगी, पूरा मजबूत कर देंगी आपको, जिस तरह मकान खड़ा हो जाता है मजबूत नींव नींव के ऊपर, तो उसी तरह आपका भी मजबूत नींव बना देंगी। तो पढ़ लीजिए समय रहते हुए, तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी जितनी भी पीडीएफ है इसकी सब मैंने टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए एक बात और हमेशा याद रखिए, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन मोबाइल तो चला रहे हैं ना आप लोग, तो लेक्चर देख सकते हैं, बाकी पीडीएफ डाउनलोड करके उन्हें भी देख सकते हैं। और जो आपके लिए जरूरी है मैं उसी बुक्स को ले रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। कई लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, इनके बारे में भी हम लोग शुरू में बता चुके हैं, आपका लेक्चर बना चुके हैं कि हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है कौन सी नहीं पढ़ना है। वही पढ़ रहे हैं हम जो हमारे लिए सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए जरूरी होती है। वैसे तो ये अगर एक बुक्स पूरा इंडिया का कोई भी पर्सन पढ़ रहा है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि फायदा ही होगा, क्योंकि आपको अपनी भौगोलिक स्थिति के बारे में मालूम होना चाहिए, साइंस के बारे में मालूम होना चाहिए, संविधान के बारे में मालूम होना चाहिए, इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए, वरना वही हाल है कि जिए किस लिए मरे किस लिए। आपको पता ही नहीं है कि आपके देश में कितने राज्य हैं। अभी मैंने कल ही फेसबुक पेज पर अपना अपने फेसबुक पर मैसेज लिख वो क्वेश्चंस पूछा कि अपने भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कई लोगों ने अभी भी नाम क्या लिखा है, 29 राज्य लिखे हुए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए हैं। समझ रहे हैं, मतलब ये हालत है अपने देश की। और वर्तमान की बात कर रहा हूं, भी हम लोग जून 2020 में बैठे हुए हैं तो 28 राज्य बचे हुए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोगों को इसके बारे में कंफ्यूज है कि 29 राज्य हैं कि 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अच्छे से पढ़िए थोड़ा मन लगाकर, और जो हकीकत है उससे हमेशा भागिए मत, जो हकीकत है उससे सामना कीजिए, आप लोग सब कुछ कर लेंगे। तो एक कक्षा 9वीं की विज्ञान है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें, यानी कि विषय वस्तु इसकी क्या है। इस बुक्स में आप लोग देखेंगे ये आपकी विषय सूची। ठीक है, सबसे पहले अध्याय में हम लोग बात करेंगे हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। दूसरा अध्याय होगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा चैप्टर होगा परमाणु और अणु के बारे में। चौथा चैप्टर होगा आपका परमाणु की संरचना के बारे में। पांचवा चैप्टर होगा जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। छठवां चैप्टर होगा ऊतक के बारे में। सातवां चैप्टर होगा जीवों में विविधता के बारे में। आठवां चैप्टर होगा गति के बारे में। नौवां चैप्टर होगा बल तथा गति के नियम के बारे में।
दसवां चैप्टर होगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, 11वां चैप्टर होगा कार तथा ऊर्जा के बारे में, 12वां चैप्टर होगा ध्वनि के बारे में, 13वां चैप्टर होगा हमारी हम बीमार क्यों होते हैं देखेंगे, और 14वां चैप्टर होगा प्राकृतिक संपदा, 15वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में, कुछ परिभाषित शब्दावलियां भी दी गई हैं। तो इस तरह आपके चैप्टर रहेंगे 15 चैप्टर, ठीक है, इस बुक्स में चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखेंगे। यह आपकी भारत का संविधान की उद्देशिका दी गई है। एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे लगता है कि आपको रट गई होगी अब तो, क्योंकि हम इतने बार इसे पढ़ चुके हैं और पूरा संविधान आपका इसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक बात आप लोगों को बता दें हम कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है, इन दो डेटों को याद रखना आप अच्छे से। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर विज्ञान का देखते हैं।